हाय गाइस, पहले वॉइस ओवर पे बड़े सही रिस्पांस आया अपना, तो मैंने सोचा कि चलो एक और वॉइस ओवर किया जाए। तो इस बारी ये जो गेम है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि ये एक तो डुओ वर्सेस स्क्वाड हो जाएगा, ऊपर से लास्ट जोन जो होने वाला है ना वो आपको मज़ा ही आ जाएगा देख के। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मिलिट्री बेस, तो अब सी बिल्डिंग साइड तो कोई नहीं आया और मोस्टली स्क्वाड जो आई है वो ऑफिस साइड आई होगी। तो हम लोग देखते हैं अभी जल्दी जल्दी सी बिल्डिंग लूटते हैं क्या चल रहा है। और यहाँ पे मतलब लूट वूट तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लूट वूट क्या देख के करोगे, बोरिंग ही होता है। तो इस बीच मैंने दो बॉट मार दिए, उनसे लूट मिल गई, क्योंकि सी बिल्डिंग में तो कुछ लूट मिली नहीं थी। उतने में हो गई मेरी टीममेट्स की फ़ाइट, तो मैं भाई जा रहा हूँ जल्दी जल्दी चला जाए, नहीं तो क्या पता जाले नुगड़े मर जाए, तो मेरे बिना तो मर ही सकते हैं। तो अब मैं पहुँचा इधर पे, तो उतने में तो भाई टीम ने ख़त्म कर दिया, मतलब क्या बात है, चलो सही है, अच्छा खेलने लगी अपनी टीम। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहा हूँ मैं, कुछ भाई मेरे लिए छोड़ा है क्या, सब तो लूट ही लिया होगा। यहाँ पे मिला कार 98 विद 8x, अब ये तो भाई इस मैप में लिटरली कोई काम ही नहीं आएगा मेरे, क्योंकि देख ही रहे हो फॉग वाला मैप है, बंदे दिखेंगे नहीं। अब ये सब चल रहा था उतने में एक और स्क्वाड आ गई यहाँ पे, वो दूसरी साइड से ऑब्जर्वेटरी साइड से आई होगी। तो अब यहाँ पे मैंने बहुत ही गंदा हगा है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं इसको नॉक करने जाता हूँ तो मेरा टीम मेट नॉक करता है, अब मैं अपने बंदे को नहीं बचा पाता और लेफ्ट साइड से मेरा टीम मेट एक और नॉक हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ बंदे कहाँ हैं, तो मैं इसको एम ले रहा हूँ, पता नहीं मेरे को कहाँ से लगी लेकिन मैं भी नॉक हो गया। उतने में यहाँ पे शाइनी क्लच कर जाएगा अपना बंदा, तो ये मैंने बोला भाई रिवाइव दे तू, वो भी हील कर रहा होगा, लो होगा, तो अब वो मेरे को रिवाइव दे रहा है। और जैसे ही वो मेरे को रिवाइव दे रहा था, मेरे को वो आई फुटस्टेप आए और मैंने जल्दी से मैं पहले भागा, उतने में शाइनी ने भाई मार दिया उसको। अब इस गेम में एक और सीन है ना कि मैं ईयरफोन नहीं लगा, सॉरी, ये गेम चल रहा है स्ट्रीम पे, तो जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो मैं बात नहीं कर सकता अपने टीममेट से, क्योंकि अलगाटो और आईफोन का ये इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली हेडफोन जैक नहीं है। तो वो सब क्लियर करके हम लोग आ गए यहाँ पे अपार्टमेंट साइड। अब अपार्टमेंट साइड जब हम लोग आए तो हम लोग को स्कूल साइड से आए थे ये अबे गन गलत होता शॉट्स, कहाँ रोकूं अभी, हम लोग देख रहे हैं कहाँ रोकना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बोलना दो स्क्वाड बनता की है फ़ाइट रेड चल रही थी। तो मैंने बोला भाई मैं रेड बिल्डिंग पर रोक रहा बिल्डिंग हूँ, पे रुकूं, वहाँ से अपन देखते हैं क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे रेड बिल्डिंग पर रुकते हैं, उतने में यहाँ पे ऑन अभी फ़ाइट चल है, ही रही है। बीच बीच में ऑन कर सकता हूँ, पूरे टाइम नहीं कर सकता। तो अभी मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ ज़रा स्कूल में, थोड़ा स्काउट करते हैं देखते हैं क्या चल रहा है। तो अभी मैं इसको ओपन करके देख रहा हूँ, उतने में मेरे को दिखा बंदा यहाँ पे दो बैठे हुए हैं, एक रिवाइव कर रहा है, तो ये तो भाई फ्री किल मिल गई। तो सीधे नॉक किया और शाइनी ने उनको फिनिश कर दिया, तो भाई अपना किल कन्फर्म हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग फाइट ले नहीं सकते, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है, हम लोग तो दो ही लोग हैं, ओपन में पुश कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे स्काउट करते करते हमने सोचा भाई चलते हैं यहाँ से सीधा गाड़ी से पुश करते हैं, देखते हैं आगे क्या चल रहा है, कितने बंदे बचे हैं। यहाँ पे रुकते ही पहला काम तो भाई अंदर चलो, उतने में शाइनी को पड़ी बाहर से, तो मैं बोला भाई बाहर तो वो हैंडल करेगा, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो मैं देख ही रहा था, उतने में ये नूबड़ा आया, मैंने भी बहुत ही लेट इस पर फायरिंग किया, पता नहीं ये नूबड़ा था तो इसने मेरे को भाई मार नहीं पाया, तो मैं बच गया। अब मैं नीचे कूदा यहाँ पे, तो मुझे लगा बंदा इधर है, लेकिन इधर निकला और मेरा खुला भाई 6 है, मुझे लगा यहाँ ख़त्म, लेकिन जैसे तैसे वो मर गया था भाई, लो होगा या फिर वो स्टार्टिंग में ही मर गया स्कोपिंग करने से पहले। तो इसको रिवाइव करते हैं, और इनका एक दूसरी स्क्वाड का एक बंदा बचा हुआ था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आई थी नेड सुनाई दिया था, मैं ऊपर घूम रहा हूँ, वो बंदा कहाँ है, ऊपर से उसने डीपी चलाई, तो भाई स्पॉट हो गया। तो अब स्पॉट हो गया तो बचना तो है नहीं, अब मुझे ना ये नहीं पता था कि वो एक ही बंदा है या कितने बंदे हैं, तो मैं काफ़ी केयरफुल होकर खेल रहा हूँ कि भाई हो सकता है ब्रोकन वॉल पे दो बंदे हो, तीन बंदे हो, क्या पता पूरी स्क्वाड हो, क्योंकि दूसरे का तो हमें कुछ होता ही पता नहीं था कि क्या चल रहा है। तो मैं अब शाइनी को बताया, मैंने मार्क करा भाई कि यहाँ पे बंदा है, नहीं पहले मैं करूँगा नेड, अब ये नेड अगर मैंने सही करा होता ना तो ये फट जाता, मेरा नेड थोड़ा सा आगे गिर जाएगा तो वो फटता नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा और राइट चला गया वो। तो मैं सोचा अब चल भाई राइट से चलते हैं, इसको देखते हैं, लेकिन अब राइट से सीधा जाऊंगा तो वो टीपी भी लेके मार सकता है, तो मैं सोचा भाई कार में चलते हैं, अलग एंगल होल्ड करेंगे, वहाँ पे जो शैक है उस पर रुकते हैं, उसके बाद इजीली उसको मार देंगे। तो जाके मैंने यहाँ पे रोका, अब बंदा स्पॉट हुआ, उतने में अभी पता चला ये तो नोबड़ा था, वो शाइनी ने सीधे जाके उसको मार दिया, तो कोई भी किल विल नहीं मिली। तो यहाँ से हम बचे दो, और स्क्वाड बन रहा, ये जोन बन रहा था अपना गोलियां चल रही हैं जॉर्जियो पोल साइड, वो सब भाई बेस्ट स्पॉट है ये स्क्वाड हाउस, यहाँ पे आके होल्ड करेंगे। इतने में यहाँ पे देखा एक स्क्वाड ऑलरेडी है,
तो इन पे फटाफट रश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्री फायर दिया कि भाई कोई आ रहा हो तो मरे, और नहीं आया। ऊपर से फिर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप नहीं आया तो मैं अंधा घुस गया। ऐसे जाना तो नहीं चाहिए, पहले चेक करके जाना चाहिए। तब ये भी भाई नोबड़ा था, इसने गोली नहीं चलाई पता नहीं क्यों, लेकिन बंदे के पास था हिटमैन सूट। तो इसको हिटमैन सूट ही बोलते हैं आई गेस। इस पर मेरा टीम मेट अलग ही खुश, वो बोल रहा भाई हिटमैन सूट ले, हिटमैन सूट ले। मैं बाहर जाके लेटा हूँ, देख रहा हूँ भाई कोई बंदा है क्या। उतने में स्कोप इन करा और सीधे मेरे को दो तीन बंदे दिखे। तो अब इसको मैंने हेड दिया, फिर टीम मेट फिर भाई पागल हो गए कि अरे भाई तूने हमारे टीम मेट को कैसे मार दिया। और सब ने गोलियाँ चलाना चालू, दीवारों पर मार रहे हैं, ऐसे ही चला रहे, फ्री फायर दे रहे हैं। तो मैंने पहले करा हील कि भाई निकलो यहाँ से। अब इस टाइम पे अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हिल साइड बंदे हुए जॉर्जो हिल पे तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। वो सीधे मेरे को भी पड़ेगा AWM का चार्ट। तो जल्दी से अपन चलते हैं अंदर, और मेरे टीममेट को अब जाके पता चल रहा है कि वहाँ बंदे हैं। मैं तब से उसको बोल रहा हूँ, तब भी उसको नहीं समझ आया। तो चलो पहले तो अंदर जाया जाए, उसके बाद देखते हैं अब क्या करना है। तो अब यहाँ पे मुझे ये बंदा दिख रहा है। अब मेरे हिसाब से ना मेरे तीनों शॉट लगने चाहिए थे। तो आप लोग बता दो क्या सीन है यहाँ पे, क्यों नहीं लग रहे। मैंने उसको तीन बार दिया, लेकिन भाई बंदा पता नहीं मतलब कैसे उसको एक भी नहीं लग रही है। यहाँ पे देखना मेरा टीममेट M4 मारेगा, उसकी M4 लग रही है, लेकिन भाई मेरी कार 98 नहीं लग रही है। तो अलग ही सीन है। फिर हम लोग सोचा वहाँ पे पुश तो कर नहीं सकते, हम लोग दो ही लोग हैं तो कोई मतलब नहीं इनसे फाइट लेने का। तो हम लोग रुक गए। अब यहाँ पे टीममेट ने बोला भाई हिटमैन सूट ले ले प्लीज़ प्लीज़। मैं लेने गया और उधर से जो फायरिंग आई है मुझे लगा भाई मैं गया। उतने में मैं जैसे तैसे बच गया, तो अपने को मिल गया हिटमैन सूट। अब हिटमैन सूट मिल गया तो अलग ही ओपीनेस फील हो रही है। इतने में फिर कई एक स्क्वाड ने पुश, ये पता नहीं कहाँ से पैदल चलते चलते आए थे। तो अब ये भी देखते क्या होता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है क्या चल रहा है। मैंने इतने में एक नेड कुक करा, सीढ़ी पे एक रैंडम नेड कर देते हैं भाई, क्या पता कोई फट जाए। और लकीली भाई ये बंदा फट गया। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई और रश करे या फिर उसको रिवाइव ही कर रहा होगा मोस्टली। अब नीचे रश नहीं कर सकते क्योंकि वही बात है, मेरी वेस्ट पूरी डैमेज है, मैं 1-on-1 फाइट लेने में दिक्कत होगी। ये नोबड़ा था इधर पे, ये भी मर गया। अब यहाँ पे ये वाली किल मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ऐसे पीक एंड फायर मुझे करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बंदे ने भी एक भी गोली नहीं चलाई, तो भाई मेरी वेस्ट बच गई जितनी थोड़ी बहुत बची हुई है, जो होगी 10 HP पे। तो इधर फटाफट लूटा। अब मैंने इधर सोचा कि भाई कार 98 तो कोई काम आ नहीं रही है, और अपने को चाहिए CQC के लिए AKM, क्योंकि भाई AKM से अच्छी गन नहीं है अगर ड्रॉप गन्स को हटा दो ऑब्वियसली। तो CQC के लिए भाई रखी अपन ने AKM। इतने में यहाँ पे मैंने देखा कि भाई उधर रिज वाले हम लोग को पुश कर रहे हैं, तो मैं सोचा इनको नेड वेड करते हैं अपन। तो पहले तो मैंने M4 पे 6x लगाया कि भाई अगर यहाँ पे दिखे मेरे को थोड़ा दूर दूर कहीं बंदा। उतने में एक बंदा भाग के आया, लेकिन मेरे हाथ में उस टाइम पे नेड था, तो मैं जब तक स्विच करके मारता शाइनी ने नॉक कर दिया, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो मैं सोचा इनके पीछे ही होंगे इसके जो भी पार्टनर होंगे, तो मैंने सोचा नेड करते हैं। तो मैंने एक नेड फेंका लेकिन कोई फटा नहीं। फिर उतने में मैं देखा भाई वो बंदा भी नेड कर रहा, तो मैं तुरंत भागा पीछे, और मेरा ये जो कुक्ड नेड था मैंने उसके पीछे फेंक दिया। मैं उसको थोड़ा सा लेफ्ट फेंकता ना वो बंदा पक्का डेड था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या सीन चल रहा है। अब मैं फिर से सोचूंगा एक लास्ट नेड और करूंगा मैं। क्या है उसका भी नेड आया, लेकिन पता नहीं कैसे फेंका उसने, मेरे इधर तो नहीं लगा। तो अब मैं देख रहा हूँ क्या करना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सोच रहा हूँ ऊपर जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि ऊपर गया और राइट वाले बंदे ने अगर मेरे को एक आध हेडशॉट दे दिया तो भाई ख़त्म। इतने में आए नीचे से फुटस्टेप, तो मैंने सोचा भाई नीचे कहाँ से आ गए बंदे। तो उतने में अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ से मेरे को इधर फुटस्टेप आए, तो यहाँ पे ये बंदा देखो जरा क्या मस्त TP भी ले रहा है, पता नहीं किसके लिए। इसको भाई ऑलमोस्ट पूरा मैंने ही डैमेज दिया था, शाइनी ने मार दी लास्ट बुलेट, तो भाई किल मिल गया उसको। अब इतना देखना है कि भाई गाड़ी वाड़ी है कि नहीं है। इतने में यहाँ पे खड़ा है कबूतर, तो भाई इसमें जाना जोन में तो मतलब मौत है। तो मैंने सोचा इसमें तो नहीं जाना भाई बिल्कुल भी। अब अंदर जाके चेक किया तो भाई ये गाड़ी फंसी हुई है इधर पे, तो इसमें भी नहीं जा सकते हम लोग। तो भाई अब बची हमारे पास ये कार जाने के लिए, और कार निकलेगी नहीं बाहर। तो अब हम सोच रहे क्या कर रहे। तो मैं सोचा भाई बूस्ट वूस्ट मारा जाए, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। अब वो अभी भी ट्राई कर रहा है कि भाई कार निकालूँ, मैंने बोला नहीं निकलेगी भाई, तो अभी चल कबूतर में ही चलेंगे अपन, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इतने में मोस्टली उधर के सारे दूसरी साइड के बंदे मर चुके थे, और इन यहाँ पे जो बंदे मैंने इनका एक बंदा बचा हुआ था, तो हमें लग रहा था वो आगे हो सकता है, लेकिन लकीली वो यहाँ पे नहीं है सामने। अगर यहाँ पे होता तो भाई अभी हम दोनों डेड थे इस टाइम पे। मैंने बोला भाई चला तू, क्योंकि मैं बस मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा अच्छा शूट कर सकता हूँ। लॉल। तो हम लोग यहाँ पे गए। अब यहाँ पे हमारी किस्मत ही अच्छी थी कि हम लोग जहाँ पे जाके रुकेंगे वहाँ कोई सांप नहीं था, क्योंकि यहाँ अगर कोई भी सांप होता ना तो भाई हम लोग का गेम यही ख़त्म था। तो यहाँ पे मैं देखा ड्रॉप में वो लालच आ रहा था कि भाई वेस्ट ले लूँ क्या, लेकिन अब
फट भी रही थी कि भाई पानी में गया तो उसके बाद तो ऐसे ही मार देंगे लोग। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आगे ये बंदे हैं, अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया कि उस तरफ होंगे बंदे, ठीक है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, एक तो हो सकता है टावर में, एक सामने। तो मैंने ऐसे ही रैंडम एक दो मॉली करूँगा, शायद क्या पता कोई जल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई जलेगा नहीं यहाँ पे। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ से, मेरे को शायद गन की आवाज़ आती है, मुझे याद नहीं है। तो मैंने भाई एक रैंडम यहाँ पे थोड़ा सा बंदा स्पॉट होता है, तो मैंने एक प्री फायर टाइप का दिया कि भाई फिर से पिक करे तो लगे, लेकिन नहीं भाई वो तो नहीं कर रहा था, तो अच्छा प्लेयर रहा होगा पता नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शायद पिक कर ले, शायद पिक कर ले। उतने में शाइनी बोलता है कि भाई मेरे पास बंदा है, फुटस्टेप आ रहे हैं। तो अब दिक्कत ये है कि मैं उससे वन ऑन वन फाइट नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी वेस्ट बिल्कुल पूरी तरह डैमेज है जैसे देख रहे हो। तो अब मैं उससे सामने जाने में डर रहा हूँ थोड़ा, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा ऐसे ही प्री फायर वगैरह दे रहा हूँ कि भाई शायद पिक कर ले। मैंने एक मॉली करा, ये हक दिया एकदम सीधा पानी में गया होगा, पक्की बात। तो यहाँ से अब जा रहा हूँ मैं लेफ्ट, थोड़ा सा अगर दिख जाए तो। अब वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, तो सीधा आखिरी बंदा था तो डायरेक्ट डेड हो गया। और इसमें जोन बन रहा था थोड़ा आगे की तरफ, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी किस्मत का हो या जो भी कहो, हम लोग को जाने का अच्छा जोन में वो मिल गया कि ओपन में भाग के नहीं जाना पड़ा। तो मैंने कर लिया यहाँ से नीचे से ब्रिज क्रॉस। मुझे लग रहा था यहाँ पे आगे बंदे हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिज है, लेकिन भाई सांपों का तो पता ही है ना, जहाँ घास दिखे वहीं लेटना है भाई। रिज विज तो छोड़ो, रिज से क्या होता है, कवर अवर नाम की कोई चीज़ नहीं लेनी, लेकिन भाई घास में लेटना है। तो यहाँ पे मैंने बूस्टर वूस्टर मारा, क्योंकि भाई वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो फुल बूस्ट होना हमेशा ज़रूरी है। फुल बूस्ट होगा तो शायद बच जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे को इतना तो अब पता ही है भाई, यहाँ नहीं है बंदा, मतलब सामने ही सांप बने हैं सारे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कोई स्पॉट हो जाए, कोई स्पॉट हो जाए। इतना मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई उधर पुश मत करना, वो बोल रहा था मेरे को वॉच टावर पुश कर दें, भाई देख तो लेता, जोन के बाहर था वो। तो इतने में यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे होता है एक बंदा स्पॉट। अब वो जैसे ही स्पॉट हुआ मैं सोचा फायर करते हैं, फायर किया, इतने में भाई सांपों ने मेरे को फेला। अब मुझे तो लगा था यही गेम खत्म है भाई, पुश कर देंगे वो लोग और हम लोग का हो जाएगा जीजी। इतने में भाई उनका भी शायद मैंने एक नॉक कर दिया था, हाँ नॉक कर दिया था, तो वो लोग ने पुश नहीं करा, क्योंकि भाई सांपों का तो पता ही है ना, लेटे ही रहेंगे, उठना तो है ही नहीं। यहाँ पे मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई अब क्या करा जाए, अब तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जोन भी उन्हीं पर बन रहा है, वो सारे ऊपर लेटे हुए हैं। अब यहाँ पे एक फर्स्ट एड मार रहा हूँ मैं पहले, तो क्या मैंने एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। हाँ यहाँ पे हुआ ये कि मैं एनर्जी ड्रिंक पिया, उसके बाद आया लेफ्ट से पुश से। अब यहाँ पे AKM की बात है भाई, AKM थी इसीलिए मैं बच गया, सही बोल रहा हूँ। M4 होती तो मैं यहाँ पे मर सकता था, क्योंकि भाई वेस्ट देख ही रहे हो ख़त्म ही है, वेस्ट है ही नहीं, पहले तो डैमेज थी अब तो है ही नहीं। तो यहाँ पे एक बंदा इनका नॉक कर रखा है, मैं बार बार बैंडेज वगैरह लगा रहा हूँ, मेरे को आ रहे फुटस्टेप। तो यहाँ पे इन लोगों ने कर दिया स्मोक, तो अब ऑब्वियसली बात है कोई बंदा जा रहा होगा। तो यहाँ पे एक और स्पॉट हुआ, तो इसको एक और को नॉक कर दिया। अब 2 vs 3 था, दो बंदे नॉक हैं, तो मतलब ऑब्वियसली बात है एक बंदा है इनका इस साइड तो नहीं होगा। तो इनको पहले तो भाई फिनिश करो, किल सिक्योर कर लो भाई, पता नहीं ना जोन में जाएंगे सांप डस लेगा। तो जोन भी आ रहा था, यहाँ पे मैं लेटा और मेरा टीममेट हो गया नॉक, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे लगा भाई हो गया हमारा जीजी, लेकिन भाई AKM की पावर सबको पता है, एक जंप शॉट मारा, लकीली वो बंदा नूबड़ा था पता नहीं क्या था, और हेड शॉट लगा AKM का, तो वो सीधे हो गया डेड। तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को एक चिकन डिनर डुओ वर्सेस स्क्वाड में, काफ़ी अच्छा खेले हम दोनों, डैमेज भी सही था, काफ़ी अच्छा होल्ड किया, पुश भी अच्छा किया। तो गाइस अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो, काफ़ी अच्छा मैच था, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, प्लीज़।